मैं न्यासम जोंगसम चांगलांग डिस्ट्रिक्ट 53 चांगलांग नॉर्थ का एक लोंगचांग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं आज इस मीडिया के थ्रू, हमारा एक रास्ता है, बहुत ही पुराना रास्ता, उस रास्ता का हालत आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी जहाँ खड़ा हूँ, ये स्ट्रेस है कुचेप टू चांगलांग रोड। यहाँ 7-8 बस्ती पार करता है यहाँ से, और यहाँ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट भी है। आगे हमने जिसको क्रॉस किया वहाँ SP ऑफिस है, वहाँ से होके ये PHE ऑफिस है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीज़न ऑफिस है, और यहाँ से आगे CRP का एक ये है, कैंप है, और ऐसा होके यहाँ से बस्ती कुचेप तक 26 किलोमीटर है। ये 10 साल से मेंटेनेंस का काम इसमें नहीं हुआ। ये रास्ता का, बस्ती का सड़क इस हालत पे है अभी कि गाय गोरु भी जाने का ये में है, अवस्था में नहीं है, तो इंसान तो बहुत तकलीफ़ से, और रास्ता ऐसा बदहालत का कारण मेडिकल केस, हॉस्पिटल पेशेंट पहुंचने से पहले रास्ता में ही आदमी का एक्सपायरी भी हो जाता है, और खासकर डिलीवरी भी मेरी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले रास्ता में ही ऐसा हालत है। और रास्ता का ऐसा हालत होने का वजह से ना हमारा लास्ट बस्ती कुचेप, जो कि 26 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ से बाज़ार भी नहीं कर पाता है। बाज़ार ही ऐसा एक चीज़ है, हमारा अपना ओन प्रोडक्ट साग सब्जी, उसको डेली बाज़ार यहाँ बेच के एक सस्टेनेबल इकोनॉमी हमारा बस्ती के लोग अर्न करता था, लेकिन वो भी आज बंद है ये रास्ता नहीं होने का वजह से। और स्कूल, ये रास्ता नहीं होने का वजह से टीचिंग स्टाफ आता नहीं है। ऐसा हो के बहुत सा हम लोग बहुत सेटबैक में हैं, और इसीलिए इसके कारण मैं स्टेट गवर्नमेंट से, खासकर हमारा यहाँ का एक विधायक है ऑनरेबल MLA काम एडवाइजर टू CM, मैं पुसुम सर से खासकर अपील करना चाहूँगा, आप थोड़ा स्पेशल ध्यान दे के ये रास्ता को, आप खुद मालूम है, आप भी यहीं का है, खुद मालूम है, थोड़ा आप स्पेशल एम्फसाइज करके इस रास्ता के लिए ज़रूर कुछ आने वाला दिन में कर दीजिए। आदमी हमारा यहाँ का लोग बहुत ही बदहाल कंडीशन में चल रहे हैं, और ख़ासकर अभी जो बोला स्टूडेंट, हाँ अभी वेकेशन आने वाला है, लेकिन स्टूडेंट का एकेडमिक करियर, एकेडमिक सेशन तो रास्ता का नहीं होने का वजह से ऐसे ही बस चला गया है इस बार। इसीलिए मैं फिर से हमारा कम्युनिटी का तरफ से और चांगलांग का तरफ से आपसे यही अपील करना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट से, कि आप जैसे भी करके ये रास्ता को थोड़ा ध्यान दीजिए, और कहीं ना कहीं सोर्स से होके चलने लायक तक बना दीजिए, यह आपके लिए, हमारे लिए बहुत एक अच्छा काम होगा। और इसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करने के लिए भी रेडी है, और करेंगे, अगर आप इसको ज़रूर देख देने से, ये एक हमारा गरीब लोगों का अपील रहेगा आपको। मैं कैमरामैन से, मेरा मीडिया पर्सन से अपील करना चाहूँगा, आप थोड़ा दिखाइए सड़क का हालत कैसा है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक ये है, ये टर्निंग है, यहाँ गाड़ी नहीं उठ पाता है, छोटा गाड़ी नहीं उठ पाता है, स्कॉर्पियो या बोलेरो या उससे बड़ा वही चल सकता है, उससे छोटा गाड़ी तो नहीं उठ पाता है इधर में। आप देखिए हालत, देखिए किस हालत में है, और इससे आगे इससे भी और ख़राब है, ऐसा हालत में है, खुद देख लीजिए आप लोग। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप थोड़ा क्लोज अप करके दिखा दीजिए रास्ता का हालत कैसा है। और इस और एक इशू है, खासकर ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू है हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम काम कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पेशली मीन फॉर चांगलांग हेडक्वार्टर के लिए एक आया हुआ 10 करोड़ का SIRDF में, उसको अभी हाल में सुनने मिला है कि यहाँ से डाइवर्ट करके कहीं और ले जाने का प्रपोजल है। इसीलिए मैंने कंप्लेन किया पब्लिक का ओर से, मेरे तरफ से भी और पब्लिक का ओर से भी, क्योंकि हम यहाँ का लैंड डोनर है, और आज जो प्रपोजल प्रोजेक्ट इस एरिया के लिए आ रहा है चांगलांग हेडक्वार्टर के लिए, वो चीज़ कहीं डाइवर्ट होके लेके नहीं जाना है, यहीं पे बनाना होगा,
लैंड अवेलेबल है, बहुत जगह खाली है यहाँ पे, तो उस जगह में कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं देख के वेरीफाई करके ये ऑडिटोरियम काम कॉन्फ्रेंस हॉल को यही बनाना होगा, ये मेरा कंप्लेन रहेगा। कहीं इधर से शिफ्ट होगा वो मेरा कंप्लेन रहेगा। ऑलरेडी मैंने कंप्लेन भी लॉस किया हुआ है डीसी का, उधर हमारा जो बोलने का था डीसी को हमने कंप्लेन किया, मैंने ईटानगर लेवल तक कंप्लेन किया। इसीलिए मैं इस मीडिया के थ्रू फिर गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो मेंशन करके आया है उसको कहीं डाइवर्ट मत कीजिए और करने मत दीजिए। ऐसा अगर हुआ तो हमारा लिए ये बहुत ही एक डिप्राइवल होगा। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमने लोंगचंग कम्युनिटी, जो एक्सपेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए लैंड डोनेट किया, तो उस आज डीसी इधर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डीसी का होते हुए आप ये प्रोजेक्ट फिर कहीं और ले जाएगा तो हमारा लिए ये बहुत ही एक डिप्राइवल का काम होगा। इसीलिए ऐसा काम को आप रुका दीजिए। मैं पब्लिक की ओर से फिर एक बार अपील करता हूँ कि हम ये प्रोजेक्ट को यहीं होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, इससे बाहर जाएगा हम कंप्लेन, मेरा हमारा कंप्लेन है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। थैंक यू।